नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुब्रत चौहान और आप देख रहे हैं फिश इन्फो चैनल। काफ़ी दिनों से लोग मुझसे यह सवाल कर रहे थे, पानी में ऑक्सीजन बनाने का जो तरीका है वो बताइए। हिचरी में जब हम मछली को ब्रीडिंग कराते हैं उसमें पानी का जो सप्लाई होता है वो ओवर टैंक के थ्रू ही होता है, या स्पॉन को रखते हैं वो ओवर टैंक के थ्रू होता है, तो उस दौरान पानी में ऑक्सीजन होना ज़रूरी है या नहीं है? क्योंकि बोरवेल से जब पानी निकलती है तो उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, और बिना ऑक्सीजन का पानी का अगर आप टैंकों में या मछली में सप्लाई करते हैं तो मछली में दिक्कत आ सकती है या नहीं। तो आज मैं बताऊँगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, सब कुछ बताऊंगा, और पानी में ऑक्सीजन किस तरह से बढ़ाया जाता है वो टेक्निक को भी आपको दिखाऊंगा। बने रहिए वीडियो के साथ, देखते रहिए वीडियो को। चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, अच्छा लगा है तो लाइक करके जाना। तो सबसे पहले जानते हैं जो हैचरी को ब्रीडिंग कराते हैं, जो हैचरी में मछली को कल्चर रखते हैं, स्पॉन तैयार करते हैं, अंडे को हैचिंग कराते हैं, तो उस दौरान हैचरी का जो पानी है वो पानी आमतौर पर बोर ऑयल से ही निकलती है, यानी 300-400-500 फीट नीचे से ही पानी हमारे यहाँ पहुँचती है। तो हम जानते हैं जो बोर ऑयल का नीचे पानी है उसमें ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम रहता है, तो वो असल में ऑक्सीजन लेवल अगर कम रहता है तो उस ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने का ज़रूरत पड़ता है। वो कैसे बढ़ाया जाए, कोई मेडिसिन देना है या नहीं, तो बिल्कुल ही नहीं, कोई मेडिसिन कुछ नहीं ज़रूरत पड़ता है। कुछ टेक्निक का इस्तेमाल करके हम पानी को ऑक्सीजन पानी में ऑक्सीजन बढ़ा लेते हैं। असल में पानी जैसा दिखता है ऐसा असल में है नहीं, पानी असल में बहुत ही छोटा छोटा दाना जैसा रहता है, जो इतना तरल होने के कारण हमारे आँखों से वो उजल रहता है, हम देख नहीं पाते हैं, और उसे जो छोटे छोटे कण होता है उस कणों के बीच बीच में गैप रहता है, उस गैप में हवा और ऑक्सीजन दोनों रहता है, और उस दौरान मछलियाँ उस हवा से ऑक्सीजन को खींचती है और मछलियाँ ज़िंदा रहती है। तो जब बोर ऑयल से पानी निकलता है तो उसमें हवा नहीं रहता है क्योंकि बहुत नीचे से आती है, तो उस दौरान क्या होता है, जब पानी ऊपर की तरफ सतह में आती है तो उसके साथ थोड़ा बहुत हवा और ऑक्सीजन दोनों पानी के साथ मिक्स होती है, जिसमें ऑक्सीजन भी रहता है, तो वही से हम मछली को पालन करते हैं या फिर ब्रीडिंग कराते हैं, अंडे को हैच कराते हैं। तो ऑक्सीजन का जब कमी हो जाए तो हो सके अंडा का जो क्वालिटी है वो ख़राब हो सके पानी में ऑक्सीजन नहीं रहे तो स्पॉन जो है वो स्टॉकिंग टैंक में मर सकता है, इस तरह का काफ़ी सारा प्रॉब्लम ऑक्सीजन का कमी के वजह से हो सकता है। अब जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे जो पानी का सप्लाई होता है जिसमें ऑक्सीजन का कमी होता है उसमें देखेंगे कि मछलियाँ मर रही है, लेकिन जिसमें आप देखेंगे कि पानी में ऑक्सीजन अच्छा मात्रा है उस मछली में उस टैंक में स्पॉन को अब अच्छे से रख पाते हैं, स्पॉन में कोई दिक्कत नहीं आता है, स्पॉन स्पीड में रहता है और कोई परेशानी हमें देखने को नहीं मिलती है, और बहुत ही जल्दी उस मछलियाँ ग्रोथ में आती है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मछलियों के लिए। तो ये ऑक्सीजन किस तरह से हम मिक्स करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो ओवर टैंक आप देख रहे हैं ये ओवर टैंक में ही सारा प्रोसेस किया जाता है, और बहुत ही सिंपल सा तरीका है, अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो असल में यहाँ पे चलने के लिए एक सीढ़ी था, लोहे का सीढ़ी था जो ख़राब हो गया था, तो वो सीढ़ी को रिपेयर करने के लिए दिया गया है। तो फिलहाल के लिए हमें इस टैंक को क्लीन करना है और साथ साथ ये ऑक्सीजन का जो प्रोसेस है वो भी कराना है, तो उस दौरान बाँस का सीढ़ी बना के इसमें चढ़ा जाएगा, और मैं भी ऊपर जाके मैं आपको दिखाऊंगा असल में इसके अंदर प्रोसेस क्या है, किस तरह से सब कुछ किया जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए। अभी तक जो भाई सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें, क्योंकि इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो मैं इस टैंक के ऊपर आ चुका हूँ और आप दूर से देख सकते हैं जो टैंक है, अदर साइड का टैंक है, इसको मैं कई बार बताया था इसमें ऑक्सीजन मिक्स होता है, ये जो ऊपर है वो सेकेंड टैंक में है उसमें ऑक्सीजन का मिक्सिंग होता है, सेम प्रोसेस इसमें है, लेकिन ये टैंक नीचे की तरफ है, और मैंने कई बार बोला था कि इसको अच्छे से ढकना होता है क्योंकि ये गंदा ना हो, सूरज का धूप अगर टैंक में अंदर पड़ता है तो उसमें फंगल बहुत ज़्यादा बैठता है, जो कि बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। और इसी के अंदर सारा प्रोसेस है जो कि मैं दिखाने वाला हूँ। यहाँ टैंक जो है ऊपर से टीने से पूरा से ढका हुआ है, और यहाँ पे थोड़ा सा जगह बनाया हुआ है जिसमें लोग इसके अंदर जा सके, इसको क्लीन कर सकते हैं, सारा प्रोसेस यहाँ पे किया जाता है, और इसके अंदर ही है वो प्रोसेस जो मैंने यहाँ पर बना के रखा है, और उस प्रोसेस को मैं आपको अभी दिखाऊँगा। तो बहुत ही क्रिटिकल जगह था, तो यहाँ पे चढ़ना और इसको दिखाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो इस खांचे को आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं, तीन लेयर में एक बॉक्स जैसा बना हुआ है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, और वो भी काफ़ी लंबा चौड़ा है, कम से कम 7-8 फीट लंबा है,
बॉक्स तीन लेयर में बॉक्स है और एक लेयर ऊपर है, इसके गैप में और एक लेयर है और इस तीसरा लेयर में और एक है। ये तीन लेयर में इस बॉक्स को बनाया गया है और इस बॉक्स के अंदर जो चीज़ है गाइस, इसके अंदर छोटा छोटा छेद है जिससे झरना भी आप बोल सकते हैं। जब इसमें पानी गिरता है तो वो दूसरा बॉक्स में जाता है और दूसरा बॉक्स से तीसरा बॉक्स और तीसरा बॉक्स होते हुए छेद से वो पानी एक बिल्कुल नीचे चला जाता है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। काफ़ी मुश्किल है नीचे उतरना, तो मैं मोबाइल किसी को दे रहा हूँ और ध्यान से दिखाने के लिए अच्छे से। ये देखिए यहाँ पे सारा प्रोसेस किया गया है, इस पर छोटा छोटा छेद है, सब कुछ बंद हो गया है और धीरे इसको क्लीन कर दिया जाए, वॉश कर दिया जाएगा, जिसके वजह से ये काम चल रहा है। और जब भी, जैसे कि मैंने बोला था कि पानी का जो चीज़ होता है, पानी जितना हिस्सों में बटेगा, जितना छोटा छोटा हिस्सों में हम इसको अलग कर सकते हैं, उतना ज़्यादा पानी में गैप बनता है, छोटा छोटा बॉल बनता है, अलग होता है। और जितना ज़्यादा गैप बनेगा, उस गैप के अंदर ऑक्सीजन जो है वो अपना जगह बना पाएगा, इसीलिए इस चीज़ को बनाया जाता है। ये झरना जैसा है, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस झरने को जब फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं तो झरने में जो है पानी गिरता है और पानी फिर अलग अलग हो जाता है छेद के वजह से, सब अलग होता है, तो वो होता है दूसरा स्टेप। उसमें जाके सेकंड जब लेयर में गिरता है तो उसमें पानी और छोटा छोटा हिस्सों में बढ़ जाता है और थर्ड लेयर में जाते जाते और छोटा छोटा हिस्सों में बढ़ता है। इसलिए जितना ज़्यादा हम इसको झरने को डिवाइडेड कर सकते हैं, पानी को जितना अलग अलग कर सकते हैं, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन पानी में मिक्स हो जाता है। इसमें कोई अलग दिमाग नहीं है, अलग कुछ भी नहीं है, सिंपल सा तरीका है। और जब टैंक में जाता है इसमें ऑक्सीजन मिक्स होकर ही जाता है और इसी टेक्निक को हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। आप जितना लेयर बना सकें उतना अच्छा है, आप अपना हिसाब से 2, 3, 4, 5 लेयर बना सकते हैं, आपका मर्जी। जब टैंक के अंदर बनाते हैं तो इतना ज़्यादा लेयर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि टैंक के अंदर जो है लेयर बनाते हैं तो जब पानी भर जाता है वो लेयर बेकार होता है। मान लीजिए इस लेयर तक, निचला लेयर तक पानी भर चुका है तो वो नीचे नहीं जाएगा, जिसकी वजह से दूसरा लेयर में ऑक्सीजन बनेगा, फिर फर्स्ट लेयर भर जाए तो सेकेंड लेयर बढ़ जाए तो फर्स्ट लेयर में ऑक्सीजन बनेगा। इसीलिए ऊपर की तरफ बेस्ट चीज़ होता है, ऊपर की तरफ रहता है, जैसे कि अलग टैंक में दिखाया था उसके ऊपर है तो उसमें पानी ज़्यादा मिक्स होता है और छेद आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा बड़ा, मेरा उंगली जो है इसके अंदर घुस जाता है, तो इस इतना बड़ा बड़ा छेद है। और पूरा जो नेट बना है, एक जालीदार नेट लोहे का है, लोहे का फ्रेम से इसको बनाया गया है, आप इस तरह से इसको बना सकते हैं, बहुत आसान और सिंपल सा तरीका है। और मैं इसको चलाकर भी दिखाऊंगा कि ये किस तरह से काम करती है और खर्चा किस तरह से चलती है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, टैंक का अंदर का हिस्सा, अंदर को क्लीन किया जाता है, साल में 2 बार कम से कम इसको क्लीन करने का ज़रूरत होता है, क्योंकि इसमें कई बार चलते चलते गंदा बैठता है। और जब कई बार आप देखते होंगे कि अपना टैंक में स्पॉन को जो रखते हैं, उस टैंक में स्पॉन मर जाती है, तो समझ नहीं पाते हैं क्या है, क्या प्रॉब्लम है, किस कारण से स्पॉन मरती है, क्योंकि बाकी सब कुछ ठीक रहता है, फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है। तो आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगा के टैंक को चेक करना है। टैंक को आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि टैंक में जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसमें फंगल है, कचरा जाता है, जिसके वजह से मछली में बैक्टीरिया हो रहा है। टैंक में बैक्टीरिया जाने के वजह से जो स्पॉन स्टॉकिंग टैंक में है उसमें भी बैक्टीरिया जा रहा है, जिसके वजह से मछलियाँ मर जाती है, इस तरह का प्रॉब्लम होता है। तो कम से कम 2 बार एक सीजन में इसको क्लीन करने का ज़रूरत पड़ जाता है, जिस कारण से इसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस मैंने दिखा दिया असल में ये किस तरह से काम करती है। अभी मैं इसको स्टार्ट करके भी दिखा दूंगा और फिर क्लीन हो जाने के बाद आप तो समझ ही रहे होंगे कि ये और ज़्यादा बेटर काम करेगा, क्योंकि छेद बंद हो चुका है, ऑफ सीजन था तो उसमें कोई काम नहीं किया गया है, अब सीजन स्टार्ट हो रहा है तो धीरे धीरे हम इसमें काम करेंगे और सारा चीज़ धीरे धीरे सही भी कर लेंगे। तो ये सीक्रेट टिप्स जो है मैंने आपको दिखा दिया, आप ध्यान से देखिए। ये मोटर चल रहा है, 2-3 मोटर है इसमें, ये छोटा एक मोटर चला है, देखिए फर्स्ट में फिल्टर हो रहा है, या इसे छकनी के मदद से पानी सेकंड लेयर में जा रहा है, सेकंड लेयर से फिल्टर होकर पानी नीचे लेयर में जाता है और सीधा टैंक में गिरता है। जितना छोटा छोटा अलग हिस्सों में बटेगा, जो पानी को जितना हम लोग छोटा छोटा कर पाएंगे, अलग कर पाएंगे, उतना ज़्यादा पानी में ऑक्सीजन होता है, मिक्स होता है। यही है तेक्निक जो मैंने आपको दिखा दिया। आशा करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी सारा जानकारी आपको मिला है। अगर आपको जानकारी मिला है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।